अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जानते कि आप पे क्या बीत रही है, लेकिन इस वक्त दी को आपकी जरूरत है। आपको उनके साथ होना चाहिए। खुशी में उन्हें शामिल नहीं ले सकता। आपको देखना पड़ेगा, दी को आपका साथ चाहिए सबसे ज्यादा। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है खुशी, नहीं कर पाऊंगा। अर्णव जी, मिस्टर रायजादा, जो हुआ उसका हमें अफसोस है। हमें उन्हें आज रात अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। बहुत ही ब्लड लॉस हो चुका है, उन्हें सदमा भी लगा है। She is in shock. डॉक्टर साहब, अभी अंजलि बेटे की ऐसी हालत है और वो नर्स सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। देखिए, वो इस वक्त बहुत नाजुक है, उन्हें खुद को संभालने की जरूरत है, और अगर आप लोग उनसे मिलेंगे तो उन्हें ज्यादा तकलीफ होगी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अकेला रुकूंगा। हम यही रुकेंगे आकाश, मैं संभालूंगा। इनके भाई आप खुशी और बुआ जी को उनके घर ले जाइए। हम यही रुकेंगे। चलिए बुआ जी, चलो भाई। मैंने दी से हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कि उन्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने देखा, तुमने कुछ नहीं कर पाया मैं। Bloody failure. I tried, Kush. बहुत बहुत कोशिश की मैंने, हर बार नाकाम रहा मैं। शाह मेरी दी को धोखा देता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज दी इस हालत में है और मैं आप ऐसा मत सुनो खुशी, यही सच है। उस रात भी मैं कुछ नहीं कर पाया था। मेरे और दी के साथ वो हादसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात को मुझे कुछ नहीं समझता मुझे। मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको उसके साथ।
किसके साथ? आपने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं। रत्ना, रत्ना, उनके किसी औरत के साथ नाजायज संबंध है। जब मेरी माँ को पता चला तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब मेरी माँ ने अपनी जान ली उसके बाद उनकी मौत के लिए खुद को दोषी मानकर डैड ने भी आत्महत्या कर ली। मुझे काफी देर बाद पता चला कि वो औरत भी डैड को लास्ट टाइम देखने के लिए आई थी। उस औरत का चेहरा कभी नहीं देखा, लेकिन इतना जानता हूं कि उसने और डैड ने मिलकर मेरी मां की जान ली है। उस रात सब कुछ बिगड़ गया, कुछ एवरीथिंग छोटा था, पर मैंने हिम्मत की, सोचा दी को मेरी जरूरत है, ठीक हो कहा कि थी सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हम फिर खुश होंगे। उठे रहे हैं, आई फील डैम इट। शादी हुई और वो शाम काउंटर, हर बार जब मैं उसे देखता हूं मुझे मेरे डैड की शक्ल नजर आती। उसने दी को वैसे ही धोखा दिया जैसे डैड ने मां को। फिर से वही सब हो रहा है कुछ। दी की शादी बचाने के लिए तुमसे शादी की, शाम को दी की जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया इस ओप के साथ कि अब सब ठीक कर दूंगा, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ दी आज फिर रो रही है, तर्क में शाम को दी की जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया इस ओप के साथ कि अब सब ठीक कर दूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाया। कुछ दी आज फिर रो रही है, दर्द में जब दी थोड़ी खुश हो जाती है मुझे लगता है सब ठीक हो गया। I don't know why. Everything just goes away. Mom. Mom. Pati.
नाकाम नहीं हुए अर्णव जी, आपने हमेशा दी को खुश रखा है। बस जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हम जितना भी चाहे हमारा कोई जोर नहीं चलता, इसे भाग्य कहते हैं। और ये आपके या हमारे कहने से नहीं चलता, आपके अम्मा बाबूजी के साथ जो कुछ भी हुआ, के साथ जो कुछ भी हुआ, आप उसे नहीं बदल सकते अर्णव जी, लेकिन ऐसे समय में आप उनके साथ रह सकते हैं। नहीं कुछ मुझे ये नहीं होगा अर्णव जी, ठीक उस सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। ठीक को ऐसे हाल में नहीं देख सकता, क्या कहूंगा मैं उनसे, मैं कहां दूं उसे। हम आपसे वादा करते हैं अर्णव जी, आपको दी से जो कुछ भी कहना है आप अपने आप कह पाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।